अंबानी का घर जयपुर में। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग मेरे को बताना। और आज जा रहे हैं हम एक ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे, जो कि हो रही है हमारे राजस्थान की। तो अभी सब तैयारी कर लेते हैं, शाम को व्लॉग स्टार्ट किया है, क्या क्या बैग पैक कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ गया हूँ, जल्दी में कौन कौन जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, सब आगे चलो बताते हैं आपको। हाँ जी, तो निकल पड़े अपने सफर पे, भाई है साथ में और अभी एक भाई और है, उसको पिक करना है, आगे चल के दिखाएंगे कौन है वो भाई, बहुत ही अजूबा इंसान है वो। क्यों भाई? अपने जाट बिरादरी का है, जाट भाई, जाट भाई है अपना, सचिन गंडास। उसके देख लेना कमेंट्स भी आपने वीडियोस पे, नीचे जितने भी देखोगे सबसे ज्यादा कमेंट्स हो रही है, उसका सबसे ज्यादा सपोर्ट है मेरी वीडियोस में। ये तो है, अभी मिलेगा वो, करता क्या मिलेगा वो देखते हैं, उसका रिएक्शन लेते हैं, क्या रिएक्शन रहता है उसका। ये आ गए भैया। हेलो भाई, क्या हाल है? अरे नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है और हम जा रहे हैं बिल्कुल घूमने का राजस्थान ब्रो। ये 152D है, ये एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल समतल। सो गाइस, सफर शुरू हो चुका है और अपनी गाड़ी अभी चली है 10-25,000 किलोमीटर। और ये देखिए व्यू, क्या प्यारा व्यू है, मजा आए हाय। टैंक फुल है, अभी चढ़े ही हैं 152D पे, नया बने। गाइस ये अपनी जर्नी आज की, पूरी ट्रिप दिखाएंगे आपको उदयपुर तक की। और ये अपना भाई अनमोल गोका, और ये हाईवे तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा नेशनल हाईवे 152D। इसमें देखो हमारी ट्रिप में जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, आप सबको घुमाएंगे यहाँ पे। हाँ, कोटा में बहुत ही अमेजिंग इंसान है, हम आपको नए लोगों से मिलवाने वाले हैं। कोटा में फिल्मों से मिलवाएंगे, फिल्म है बहुत बड़ी बड़ी। और यार वैसे दिल के करीब भी है वो। या तो भाई नियर बाय जयपुर स्टॉपेज लिया था अभी, और इसके वाइपर्स में पानी कम था। फुल धमाल मचा देंगे इस ट्रिप पे, फुल हो गया भाई, थोड़ा सा रहेगा। डन। सो गाइस, हमें हो गए 2 घंटे एक्यूरेट चले हुए घर से, और अभी ड्राइवर हो गए चेंज, भाई साहब आ गए ड्राइविंग सीट पे। और रोड तो सारे बढ़िया है, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है ये देखो, जाम लग रहा है पूरा। एनएच रोड है ये, मतलब ये एक्सप्रेस वे माना जाता है ये, एनएच जयपुर का, जयपुर टू दिल्ली है नहीं है। हाँ, तो वहाँ का ये एक्सप्रेस, अब जा रहे हैं तो दिल्ली जयपुर हो गए। हाँ तो हाँ, जो भी है, लेकिन इस पर जाम लग रहा है भाई। रात को बताया करो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रात को ट्रकों की आवागमन ज्यादा रहता है। भैया कहाँ में जो आप यार, ये भैया बिजी हैं, कोई नहीं, ये फ्री बच जाएंगे अभी। हम अभी जयपुर से थोड़ी 30-40 किलोमीटर पीछे हैं, जयपुर पहुंच जाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा, क्योंकि शायद आके ट्रैफिक है ही नहीं, कमी है, बहुत ज़्यादा कम है। सिटी की यही तो प्रॉब्लम है यार, रेड लाइट, रेड कोई मैंनेगढ़ में ऐसा है ही नहीं। कोई बात नहीं, ग्रीन करा देंगे, वो तो शुक्र है भाई बैठा है, भाई की ऊपर तक पहुंच है, रुकते ही करवा दी। हमने तो एंट्री की है जयपुर में, लेकिन हमें दिख गए वो आउट, ये देख अभी तो एंट्री की है यार, पूरा जयपुर क्रॉस करना अभी। फिर कहाँ चल रहे सर? शायद कोटा की तरफ, शायद। हाँ, पक्का तो पता भी नहीं है ना, कहाँ हिसाब से पूछो पीछे भैया कहाँ। हाँ जी भाई, कहाँ? कोटा ब्रो, कोटा। कोटा पोता, पोता तो अपने नाम का नहीं है। चलो कोई, चलो पोता। यह स्टॉपेज लेक, चाय हो जाए थोड़ी गरम गरम, हाईवे पे लेंगे चाय, अपन लेंगे वहाँ पे ब्रिस्टा। नहीं नहीं, आप भी कम चाय वाला, ओके। ये MBA चाय वाला भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ चाय पियेंगे एक ठेले पे। तो नहीं, वो ठेले ही है MBA का, ब्रिस्टो वाला, MBA हां ब्रिस्टो ठेला वाला। कोई नहीं, कोई नहीं, ये फिर रेड यार
कोई बात नहीं, ग्रीन करा देंगे भाई, करवा दी यार, ये शीशा साफ करना पड़ेगा अपने को। अच्छा यार क्लियर व्यू लगाता हूँ, पेट्रोल पंप खुद कर देगा। जयपुर के अंदर आ चुके थे और सबसे ज़्यादा गंदी बात यह है मेट्रो सिटी की, एक घंटा लग गया हमें जयपुर क्रॉस करने में पूरा। हर 100 मीटर पे रेड लाइट आ रही थी, हर 100 मीटर पे परेशान हो जाते हैं यार। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता जो क्रॉस करने में हमें लगे ना, लगभग एक घंटा लग गया हमें। चाय पियेंगे? चाय, अरे चाय तो पियेंगे, लेकिन यहाँ से बाहर निकले तब तो, जयपुर से बाहर निकले हैं लगभग एक घंटा लग गया यार। अगर बाहर का बाहर कोई रास्ता होता तो सही रहता यार। बैड लक ये बात करो यार नितिन गडकरी यहाँ पे, वो बातचीत होगी बिरला जी से, बातचीत होगी भाई साहब से, कांग्रेस की सरकार है ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब से, बातचीत होगी। करो तो आप करो यार, कब तक करोगे, करनी चाहिए नहीं बात। सो गाइस जयपुर से बाहर निकल चुके हैं, हम आ चुके हैं अभी कोटा जयपुर, सॉरी जयपुर टू कोटा हाईवे पे, और यहाँ के रोड अब आएगा मज़ा थोड़ा चलाने में। पीछे तो दिमाग ख़राब हो गया था, इतना ट्रैफिक था। 10 मिनट 100 मीटर चल रही थी गाड़ी, फिर आधे घंटे रोक रही थी, ऐसा चल रहा था। लेकिन पूरा लगा तो एक घंटा हमें। मैथमेटिकल मिस्टेक्स है वो। रोड बड़े प्यारे हैं यार राजस्थान के। यहाँ है जयपुर टू कोटा का पहला टोल, 500 मीटर अहेड, ये देखिए। पहला स्टॉपेज यहाँ लिया है, खाना खाएंगे, निकलते बढ़िया। कहाँ निकलते बढ़िया? जयपुर तो निकलते पहला ढाबो बढ़िया, यही दिखो ये ढाबा मिला है, बढ़िया लगा और दिखने में भी सही है। जयपुर से निकलते ही है 15-20-25 किलोमीटर के आसपास। चाय पियेंगे, ये देखिए स्टाइल वाले हवाबाजी तो शुरूते करने रही है। पहले तो इसको ख़त्म करते हैं, ये घर से लाए थे अपन। कैसा बना? टेस्टी। हाँ भाई चख ले थोड़ा। घर से खा के आया। अमन राज के फिर झूठी भाई, अपनी डेस्टिनेशन रह गई है सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर, कोटा। कोटा में स्टे करेंगे। और क्या प्यारी गाड़ी चल रही है यार, आपको एवरेज दिखाता हूँ क्या आ रही गाड़ी की। 17.1 पेट्रोल की गाड़ी है, बड़ी मस्त एवरेज दे रही है। सब रोड का फर्क है ना। गाइस कोटा में आ चुके हैं, कोटा के आसपास ये टनल देखिए। कोटा वालों वेलकम कर दो रे। वेलकम टू कोटा, UIT कोटा। यार ये भाई कोटा में एंट्री हो चुकी है अपनी, और मिलवाते हैं जिस शख्स के पास हम आए हैं। जल्दी आप लोगों से बस कुछ गांधी जी, चलो। हाँ जी हम आ गए कोटा के 7 वंडर्स पे, प्रसिद्ध जगह है यहाँ पे, ये दिखाते हैं आपको एक एक करके क्या 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 नहीं। यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, दिखाएंगे यहाँ, देखिए ये देखिए, ये ताजमहल है, ये एक टेढ़ी सी बिल्डिंग है, देख लो। एफिल टावर भी पूरा, एफिल टावर का है वो, दिख नहीं रहा ना, ये दिख रहा है, ये एफिल टावर है। हाँ ये वाला। ये है वो फिल्म जिनसे मिलाना था। आजा भाई साहब, आजा बड़े भाई हमारे। गुड मॉर्निंग भैया।
अरे गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? अरे चूत सुना दो। ये भैया तो गाली बकते हैं। ये भैया गाली बकने वाले हैं। ये देखो। गुड नाइट गाइस, आज के व्लॉग की यही पे एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।